आचार्य देखिए देखिए इसने मेरी क्या अवस्था कर दी, मेरी इससे रक्षा कीजिए आचार्य, बताइए मुझे। अरे चुप रहिए कोतवाल, आप है ही इसी लायक। महारानी अर्थात डाकू रानी, हम कौन? हम तथाचार्य, राजगुरु तथाचार्य। याद आया आपको? देखिए ये सब मिथ्या है, भ्रम है, ये कुड़ा हमें दीजिए, हम आपको ज्ञान का प्रकाश देंगे। लाइए लाइए। चड़ी से चाबुक पर आ गई है। बच्ची बच्ची गुरु जी। पंडित रामा कृष्णा कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे मैं क्या करूं, एक तो रानी है, ऊपर से राज्य की अतिथि है, इन्हें संभालना तो होगा ही ना। और बचना भी होगा। अरे क्या बोलूं। अद्भुत अद्भुत, महारानी को खोजने के स्थान पर ये सब यहाँ पर इस नाटक का आनंद उठा रहे हैं। महामंत्री जी, बंदी बना लिया जाए इन सभी को, उस डाकू को भी। महाराज यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है, और वो कोई डाकू नहीं है, वो स्वयं महारानी मुनमुन जी हैं, जिनका व्यक्तित्व परिवर्तित होकर वो डाकू बन गई है महाराज। महारानी मुनमुन जी? महामंत्री जी फिर तो इन्हें शीघ्र नियंत्रण में करना होगा। जी 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 महाराज, पंडित रामकृष्ण उसी का प्रयास कर रहे हैं, परंतु महारानी मुनमुन जी को नियंत्रण में करना है ना, तो सारी चीजों की सावधानी बरतनी होगी। जी महाराज की जय हो। लंका के महाराज धर्मपाल जी इसी मार्ग से पधार रहे हैं। हाँ? इसी मार्ग से पधार रहे महामंत्री जी? ये महाराज धर्मपाल तो अद्भुत, इन्होंने लंका में प्रतीत होता है कहीं जाने की शिक्षा प्राप्त नहीं की, केवल आने की शिक्षा प्राप्त की। महाराज हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि हम कभी लंका गए नहीं ना। महामंत्री जी हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, यदि वो यहाँ पहुंच गए और ये सब देख लिया तो यही युद्ध छेड़ देंगे वो, कुछ करना होगा महामंत्री जी। जी जी जी। पंडित रामकृष्ण महाराज, महाराज महाराज। पंडित रामकृष्ण, महाराज धर्मपाल जी इसी मार्ग से आ रहे यहाँ पर। क्या उन्हें रोकिए, कुछ कीजिए शीघ्र। हाँ। परंतु महाराज धर्मपाल को रोकना संभव होगा? मैं कुछ करता हूँ महाराज। पंडित रामकृष्ण वो तो नहीं रुकेंगे, आप एक कार्य कीजिए, महारानी मुनमुन को यहाँ से लेकर चले जाइए। हाँ 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 हाँ, हे भगवान। गुरुवर, राजा धर्मपाल फिर से वापस आ रहे हैं और इसी ओर आ रहे हैं। विजयनगर वालों, ये मेरी अंतिम चेतावनी है, अन्यथा हर एक निवास में लूटमार मचेगी, कोहराम होगा। तुम लोग मुझे जो सामान देते हो उसके बदले में मैं तुम लोगों को ऐसे प्राणियों से बचाती हूँ। तुम लोगों को सुरक्षा चाहिए या नहीं? क्या मैंने तुम लोगों से नौलख हार मांगा है, या फिर लंका के आभूषण मांगे हैं, वस्त्र मांगे हैं? बताओ। नहीं 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 ना ना, एक बार तो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि तू कितनी बड़ी डाकू है और मैं कितना बड़ा कोतवाल हूँ। महामंत्री जी, इस कोतवाल को ना कोड़े लगाए जाए, मूर्ख कहीं का। अजीब कोतवाल, मूर्ख। कोतवाल जी चुप हो जाइए, बंधे हुए हैं इसलिए बचे हैं, अन्यथा एक चाबुक मारकर आपकी काया पलट कर देगी। अच्छा ठीक है। जो हमारा संदेश है वही आदेश है। हर हर महादेव। पंडित रामकृष्ण ये क्या मुसीबत है, एक और ये लड़ाकू, दूसरी और वो बेकाबू, और बीच में फंस गए हम सब। हाँ। महाराज, महाराज धर्मपाल आ गए, सब समाप्त हो गया महाराज, सब समाप्त हो गया। है किसी के साहस में इतना दुस्साहस, जो हमसे टकराने की सोचे वो एक कदम आगे बढ़ाए। लालची और पाखंडी हो ये तो ज्ञात था, लेकिन निश्चित मृत्यु की तरफ एक कदम आगे बढ़ाकर तुमने ये भी दिखा दिया कि तुम उच्च कक्षा के मूर्ख हो। हम कब आगे हुए? ये हम आगे कैसे आ गए?
हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तो कदापि व्यर्थ में आगे पीछे होते ही नहीं। हम तो वर्षों से जहाँ थे वही हैं। अब अर्थात वो हम राजगुरु थे, राजगुरु हैं और राजगुरु रहेंगे। देखिए हमारा स्वभाव है, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं अंगद की तरह पांव जमा लेते हैं। परंतु तुम सबसे एक कदम आगे हो। हाँ, वो इनकी धरती पीछे खिसक गई। वो क्या है ना कि हम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान शिव चाहते हैं कि हम सदैव एक कदम आगे रहें, तो भगवान शिव ने इनकी धरती एक कदम पीछे खिसका दी। वाह, हमें मूर्ख समझा है। अब तेरा बचना असंभव है। नमस्कार मित्र। नमस्कार। नमस्कार महामंत्री जी। नमस्कार महाराज धर्मपाल। नमस्कार नमस्कार महाराज धर्मपाल। नमस्कार लंका नरेश। महाराज धर्मपाल जी, प्रसन्नता हुई आपको देखकर। वैसे हमारे अनुमान से तिरुपति बालाजी तो आप इस बार भी नहीं पहुंच पाए होंगे। महामंत्री जी, महाराज हमारे विचार से महाराज धर्मपाल जी विजयनगर राज्य में इतनी बार आए और गए हैं कि अब तक तो उन्हें विजयनगर राज्य में प्रवेश करने का प्रत्येक मार्ग ज्ञात हो गया होगा। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। परंतु आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, पूछना चाह रहे हैं कि इस बार आप महाराज कहां से लौट कर आए? मित्र हमें चित्तूर पहुंच गया। और वहां से लौट कर आ गए? नहीं, और वहां से भी आगे बढ़े और तिरुमाला की पहाड़ियों तक पहुंच गया। वहां से हो गया। राजा जी कह रहे हैं जैसे ही पहाड़ की चढ़ाई पर पहुँचे तो पुनः रानी की याद आई, तो नीचे से ही हाथ जोड़कर वापस लौट आए। हे भगवान, महाराज इनकी याद ना हुई समंदर की लहरें हो गई। एक जाती है अनेकों आती है। महाराज धर्मपाल, इस बार मुनमुन जी की याद आने का कारण विशेष तो रहा होगा। क्या होता जब हम जाता तो रानी जोया होता, हमें ठीक से देख भी नहीं पाता, कोई बात नहीं कर पाता, इसलिए हमको वहां रानी का बहुत याद आता। रामकृष्ण, हम इस घोड़े पर यहाँ क्या करें? डाकू ज्वाला देवी। डाकू ज्वाला देवी? हमने एक डाकू के वस्त्र क्यों धारण किए? यह कड़े का थुन्ना रानी जागा। रानी क्यों जागा? निद्रा पूरी हुई, रानी जग गई। गुरुवर, महाराज पूछ रहे हैं कि रानी को जगे हुए अधिक समय व्यतीत तो नहीं हुआ? समय तो अधिक व्यतीत नहीं हुआ, लेकिन जितना भी व्यतीत हुआ अत्यंत कष्टदायक था। क्या बताएं महाराज धर्मपाल, रानी ने छड़ी मार मार के हमें छड़ी का दूध याद दिला दिया, कोड़े मार मार कर हमारी हड्डियां हिला दी, जब कुछ नहीं मिला तो तलवार चला के भाइयों को ही काट डाला। अरे महाराज, आपकी रानी रानी नहीं, प्रलय है। हम तो कहते हैं यदि गलती से वो रणभूमि में चली गई तो दो चार सेनाओं को अकेले धूल चटा देंगी। हमारी तो छोड़िए धर्मपाल जी, महाराज श्री कृष्ण देव राय जी भी
महाराज जी जानना चाहते हैं कि तथाचार्य जी क्या कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, वो मित्र ये कहना चाह रहे हैं कि जब महारानी जी अपनी लंबी गहरी और शांत निद्रा से जागृत हुई तो वो अत्यंत प्रसन्न थी। इतनी खुश थी कि उन्होंने हम सभी को अपने वीर रस, अपने जो सभी कलाएं हैं उनकी निपुणता के विषय में विस्तार में बताया और हम सब अत्यंत प्रभावित हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। और गुरुवर तो इतने प्रभावित हुए कि आप स्वयं सुन सकते हैं उनके मुख से क्या कहा उन्होंने। गुरु क्या बताया। महाराज कह रहे हैं कि वो अति प्रसन्न हुए। मनी सबसे पहले तो चढ़ी के बाद चाबुक। अब यदि रानी अपनी किसी और गला का स्वाद हमारे गुरु जी को चखाए तो यह कटे का थोड़ा महाराजा। रानी की इतनी प्रशंसा सुन राजा जी शीघ्र मिलना चाहते हैं। अवश्य रानी मुनमुन, अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं। अरे रानी मुनमुन, अरे सुनिए बहन, अरे इधर आइए आप जरा रानी मुनमुन को संभालिए, मैं इनके लिए डोली की व्यवस्था करके आता हूँ। संभाल के पालकी आ गई है, कृपया रानी मुनमुन को पालकी पे बिठाए। संभाल के प्रणाम महाराज। महाराज रानी मुनमुन अब व्यक्तित्व परिवर्तन विकार के प्रभाव से बाहर है, हमें तुरंत महल पहुंचना चाहिए इससे पहले कि कुछ अनुचित हो जाए। वो भी महल ही जा रही है, शीघ्र ले जाइए। राजा जी चाहते हैं कि डोली को रोक दिया जाए। डोली रोको। रुके रुके महाराज, आपने डोली क्यों रुकवाई है? कोई कार्य है तो मुझसे कहिए। डेट का ठुन्ना, हमको ऐसा लगता क्यों कि हमारा रानी इधर आए? नहीं, महारानी मुनमुन जी इस डोली में नहीं हो सकती। मित्र, हमें ज्ञात है क्या हो रहा है। आप अपनी महारानी जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपको हर जगह महारानी जी ही दृष्टिगत होती है। डेट का ठुन्ना। हाँ हम समझ गए मित्र, ये कह रहे हैं कि अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। चलिए आइए। महाराज नहीं, राजा जी कह रहे हैं कि एक बार डोली में देखकर जांच लें कि रानी है कि नहीं। महाराज रुकिए, ये डोली कहीं जा नहीं रही है, यही रुकी हुई है। इस डोली का पर्दा हटाने से पूर्व जरा रुकिए और सोचिए कि किसी पराई स्त्री को डोली में बैठे देखना क्या आपके धर्म, आपकी पत्नी व्रता धर्म के अनुरूप है। हाँ, और ये भी तो सोचिए कि जब महारानी मुनमुन को इस विषय में पता चलेगा तो आपके बारे में क्या सोचेंगी। देख कर थुन्ना पुरस्कार है क्या? अब रानी ये सब जानकर आपको पुरस्कार देंगी? नहीं गौरवर, कहने का तात्पर्य है कि पंडित रामकृष्णा ने हमको अनुचित करने से सही समय पर रोक लिया, इसलिए हम पंडित रामकृष्णा को पुरस्कार करेगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। गुरु जी सीखिए कुछ, पंडित रामकृष्ण से तो सीखिए। एक तरफ जहाँ हमारे महाराज बौखलाए हुए हैं, वहाँ पंडित रामकृष्ण दूसरे देश के महाराज से भी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और आपको क्या मिला? रानी की गर्मा गर्म छटनी। अरे चुप रहो मूर्ख, मत याद दिलाओ, याद आते ही पीड़ा होने लगती। महाराज
रानी मुनमुन अभी भी अचेत अवस्था में है। जब तक उनकी चेतना पुनः वापस नहीं आ जाती, हमें महाराज धर्मपाल को उनसे ना मिलने देने का कोई उपाय करना होगा। महामंत्री जी, महाराज, राजद्वार पर एक लंबी आरती होगी, शीघ्र उसका आयोजन किया जाए। अवश्य महाराज। परंतु महाराज, आरती किसकी उतारनी है? आपकी। अच्छा जी। महामंत्री जी, जब तक महारानी मुनमुन को होश नहीं आ जाता है, हमें महाराज धर्मपाल को उलझाए रखना होगा। अब समझे? समझ गए महाराज, समझ गए। शीघ्र कीजिए। महाराज, आरती की थाली सजी हुई है, परंतु इतनी लंबी आरती उतारेगा कौन? आचार्यवर उतारेंगे आरती। जी महाराज, हम? हाँ गुरुवर, राज दरबार में कभी भी कोई महापूजा होती है तो भगवान की आरती कौन उतारता है? जी महाराज, हम ही करते हैं। ये हमारे विशेष अतिथि है और अतिथि देवो भव। जी, तो आरती कौन उतारेगा? जी महाराज, हम ही करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये तो हमारी संस्कृति है। जी आइए। जी इना दीना दुर्गा के लिए धन्यवाद। हम समझ गए महाराज, हम समझ गए। अब की बार आप आरती का अंत समझना चाहते हैं ना? अवश्य राजा जी, अवश्य। आरती करने के बाद ही हमारे गुरुजी बता पाएंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि रानी मुनमुन जी दिखाई नहीं दे रही हैं। कहाँ हैं? क्या मला है ये नाड़ी का ठुन्ना? क्या गुरु मारा? महाराज, हम कह रहे हैं आ जाएंगे, रानी आ जाएंगी, थोड़ा धीरज धरो। अब आरती करते समय तो हम उन्हें खोजने नहीं जा सकते। गुरुवर, आरती रुकनी नहीं चाहिए। जी महाराज, जान चली जाएगी परंतु आरती नहीं रुकेगी। संभल के संभल। रानी मुनमुन, हम महल तक आ गए हैं, कृपया बाहर आ जाएं। रानी मुनमुन जी, हम महल पहुंच गए हैं, कृपया बाहर आ जाएं। रानी मुनमुन, रानी मुनमुन, अरे अरे पंडित रामकृष्णा जी। हाँ। रानी डोली के भीतर ही थी। अरे परंतु अब नहीं है, इसका अर्थ है कि वो फिर से गायब हो गई हैं। अरे अब फिर कहां से ढूंढू उन्हें? दिया बुझ गया। धन्यवाद। धनी मनी। जी महामंत्री। जाओ गुरुवर को संभालो, आरती नहीं रुकनी चाहिए, जल्दी जाओ। आरती जारी रहनी चाहिए। पंडित रामकृष्ण, डोली अब तक महल में नहीं पहुंची है। डोली तो पहुंच गई महाराज, किंतु रानी मुनमुन नहीं पहुंची, वो बीच मार्ग में ही गायब हो गई है। क्या गायब? पुनः गायब हो गई? ये महारानी मुनमुन हमारे साथ गायब गायब क्यों खेल रही है? अब पता नहीं कहां गई होगी वो। पता नहीं महाराज, वैसे भी रानी मुनमुन कौन सा सीधे मार्ग पर चलती है कि जिसका अनुमान लगाया जा सके। परंतु गुरुवर, आरती चलती रहे। अतिथि देवो भवान।